नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे आंगनवाड़ी भर्ती 2021 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ICDS। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD के अंडर यहाँ पे आंगनवाड़ी भर्ती आती है, तो यहाँ पे सारा का सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अपडेट वर्जन अभी यहाँ पे निकला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक तरीके से जो पिछली बार निकला था उसको वापस से अपडेट करके निकाला गया है। 2021 में यहाँ पे सभी वैकेंसीज जो आंगनवाड़ी के अंदर आई थी उनको शामिल करके यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी एक तरीके से मान सकते हो आप, सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी, हेल्पर, सहायिका तथा इसके अलावा OPD की यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। बहुत बम्पर वैकेंसी यहाँ पे। पदों की बात करूँ यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा पद यहाँ पे इसमें है, लेकिन यहाँ पे जो पद ये सारे के सारे वैकेंसी एक साथ ना निकाल के यहाँ पे स्टेट वाइज निकाली जाएगी इस बार, तो 8,642 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 8,462 सॉरी इन पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंडर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाके लिंक से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी देख सकते हो। स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकली है, किस स्टेट में यहाँ पे लिंक ओपन हो चुका है, किस स्टेट में यहाँ पे कमिंग सून यानी कि ये वैकेंसी आना बाकी है, तो 2021 में यहाँ पे ये वैकेंसी कंप्लीट करवाई जाएगी। ध्यान रखिए बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे है इस साल की है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसमें कितनी मतलब वैकेंसीज अभी अवेलेबल है, कितनी किस स्टेट में निकल चुकी है, तो ये आपको पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको इसमें बता दूंगा। सीधा सा सिंपल सा आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाके यहाँ पे आपको लिंक जो दे रखा है उसको आपको ओपन करना है। सिलेक्टेड जो स्टेट जिस जोन से आप बिलोंग करते हो उस जोन को आपको ओपन करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके स्टेट में ये वैकेंसी अवेलेबल नहीं है तो पास के स्टेट से भी आपको आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि आपका यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो ये यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट रखी गई है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो आप किसी भी स्टेट से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जो लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आपको ओपन कर सकते हो। इसके साथ साथ आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिक्वायरमेंट या वैकेंसीज जो फोल्डर आता है उसको ओपन कर सकते हो, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो आप। उसमें यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उस PDF फाइल को आपको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। इसके अलावा नोटिफिकेशन की बात करूँ, मैं आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी रीड आउट करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे किस किस स्टेट में यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो चुका है इस भर्ती के बारे में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये पूरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट दे रखी है जहाँ पे 2021 में ये वैकेंसी कंप्लीट होनी है, तो 2021 यहाँ पे देख सकते हो आंध्र प्रदेश यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है, और राजस्थान, दिल्ली और बिहार में ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है। कर्नाटका का अभी लिंक यहाँ पे ओपन अवेलेबल सून बता रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो। वहीं तमिलनाडु में भी यहाँ पे क्लिक हेयर का मतलब ये कंफर्म यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है वो अनाउंसमेंट हो चुका है। तेलंगाना में अभी नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में हो चुका है, उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो चुका है, हरियाणा, MP, चंडीगढ़, केरला, ये तो सारे स्टेट हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन करके ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हो। तो सारी डिटेल में हम आपके बताएंगे आपको यहाँ पे कि कहाँ पे आप मतलब अप्लाई कर सकते हो और कहाँ पे अभी यहाँ पे मतलब कि वैकेंसी का आना बाकी है। तो चलिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में मैं आपको बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक यहां पे जो वैकेंसी निकली है कंप्लीट एक एनालिसिस कर देता हूं कि कितने पोस्ट कितने पदों पे यहां पे ये जो भर्ती है वो निकली हुई है। सुपरवाइजर है, क्लर्क है, आशा सहयोगिनी है, सहायिका के पद यहां पे एक तरीके से बंपर वैकेंसी है आंगनबाड़ी में। 2021 में यहां पे कंप्लीट होगी, तो ध्यान रखिए 2020 से या 21 से यहां पे स्टार्टिंग डेट इसकी है। UP और MP में देख लीजिए ये सारी वैकेंसी जो पहले निकली हुई थी। जी हां दोस्तों, याद रखना एक बात, ये जो वैकेंसी निकली हुई थी उसमें अभी अपडेट किया गया है, अपडेट के बाद में ये वापस से वैकेंसी निकाली गई है, जहां पे कंप्लीट किन किन स्टेट में कितनी वैकेंसी यहां पे कंप्लीट कराना है सरकार को। तो जी हां दोस्तों, ये सारी की सारी WCD के अंडर आती है, ICDS द्वारा इनको कंप्लीट करवाया जाएगा। ये सारी वैकेंसीज के जो मैं बता रहा हूं यहां पे, पदों की संख्या देख लीजिए आप एक बार फिर से, यहां पे मैं जो बता रहा था आपको यहां पे
पद टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी हेल्पर, पर्यवेक्षक, तो ये कंप्लीट अलग अलग स्टेट में मिला के पद है। तो याद रखना दोस्तों आप यहाँ पे, ये किसी एक स्टेट में नहीं है, ये कंप्लीट स्टेट की वैकेंसी के हिसाब से नोटिफिकेशन डाला हुआ है। तो उस हिसाब से अलग अलग जो नोटिफिकेशन आएगा वो अलग अलग स्टेट वाइज आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर कर्नाटका या फिर गुजरात, दिल्ली, पंजाब में जैसे भी निकलती है उसका अलग से नोटिफिकेशन आएगा, और फिर वहाँ पे वैकेंसी पोस्ट वाइज जो भी कैटेगरी वाइज है उस हिसाब से आपकी मेंशन होगी। तो यहाँ पे कंप्लीट ये जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट स्टेट वाइज है, तो ये ध्यान रखिए। उस हिसाब से ये कंप्लीट स्टेट वाइज में कितनी टोटल वैकेंसी है उस हिसाब से बता रखा है यहाँ पे। अभी मैं बताऊँ यहाँ पे टोटल वैकेंसी, मतलब कि 30,000 या 40,000 के आसपास ये टोटल वैकेंसी है जो कि अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड होके फिर उस हिसाब से नोटिफिकेशन आपका, जो कि यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो चुका है, मैंने सबसे पहले आपको बताया यहाँ पे, इस लिंक को आपको क्लिक करके ओपन करना है। वहाँ पे आपको डिटेल में, अब मैं ये सारा ओपन करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर बात करूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में इंटरव्यू यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिसर ओपीडी वालों के लिए होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका यहाँ पे किया जाएगा। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कार्यकर्ता के लिए यहाँ पे 5वीं पास, हेल्पर के लिए 10वीं पास, वहीं यहाँ पे आंगनवाड़ी और प्रेम के लिए 12वीं पास, और ओपीडी के लिए स्नातक यहाँ पे आपका मांगा गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और अलग फीस की, यहाँ पे मतलब कि एक तरीके से सैलरी जो ऑफर्ड की जाएगी, वर्कर को 18,500, हेल्पर को 22,500, सुपरवाइजर को यहाँ पे 26,200, वहीं यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिसर को 35,600 रुपये यहाँ पे सैलरी, प्लस TADA जो भी अलाउंसेंस मिलता है, भत्ते वत्ते उनका मिला के। एज की बात करें तो 18 से 40 साल यहाँ पे मांगी गई है, जो कि आप सभी को पता है यहाँ पे 3 साल आपका OBC वालों को, वहीं SC ST वालों को यहाँ पे 5 साल, और हैंडीकेप्ड वालों को 11 साल की छूट मिलती है, ध्यान रखना ये बात। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर आपका होगा। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑनलाइन फीस के बारे में, तो ऑनलाइन फीस के यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि जनरल OBC EWS MBC उम्मीदवार को 250 रुपये, तथा SC ST और अन्य सभी आरक्षित वर्गों को यहाँ पे 100 रुपये का परीक्षा शुल्क डेबिट क्रेडिट या अन्य नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिल करने के लिए आपको ICDS ऑर्गेनाइजेशन में आवेदन करने चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले http://www.icds.com पे आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना होगा। लेकिन आपको विभागीय, जो भी आप जिस स्टेट के अंडर आते हो, जहां से आप अप्लाई कर रहे हो, जी हां दोस्तों, जहां से आप अप्लाई कर रहे हो उसी हिसाब से आपको यहां पे सेलेक्ट करनी है, क्लिक करना, उसके बाद में आपको फिल करना है और वहीं पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जी हां दोस्तों, ये सारी जानकारी थी आपकी, जो भी आपका डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए इस वैकेंसी से रिलेटेड, तथा साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तथा दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को मैं यही कहूंगा कि अगर आपका, आपके मन में जो भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में करना ना भूले, तथा साथ ही साथ यहाँ पे इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी न्यूज और नोटिफिकेशन आता रहेगा से वेबसाइट के माध्यम से या फिर किसी भी स्टेट की ऑफिशियल विभाग की वेबसाइट पे, तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से पल पल के अपडेट देते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, तथा जो भी इस वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं उनको भी यहाँ पे इस वीडियो को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, तथा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।